अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की खुली मदद देखना चाहता है। ये वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में चैन, सुकून, बरकत और हर बुराई और हर बीमारी से बचना चाहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब आपको इस वीडियो की गहराई समझ में आएगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी सात चीज़ें हैं जिसको घर में रखना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनिए। हम बहुत सी बार हमारे गलत आमाल की वजह से परेशान होते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो सात चीज़ें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उसको आप आपके घर में रखना शुरू कर दीजिए और आप खुद आपकी आँखों से देखेंगे कि अल्लाह पाक किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब हम उन सात चीज़ों का नाम आपको बताएंगे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखने ज़रूरी बताई है। और आपको इस वीडियो को सुनते वक्त ये सोचना है कि ये सात चीज़ें जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उनमें से कौन सी चीज़ आपके घर में नहीं है, और जो चीज़ आपके घर में नहीं है तो इंशाअल्लाह उसको जल्द से जल्द घर में लाकर जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उसको पूरा करना है। एक नंबर है जमजम का पानी। जी हाँ दोस्तों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको कुछ तकलीफ हो जाए, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो रूहानी हो, तो आप सिर्फ एक बार खड़े रहकर किबले की तरफ मुंह कर एक ग्लास जमजम का पानी पीजिए और आप खुद कुछ मिनटों में अल्लाह की कुदरत और जमजम के पानी का असर आपके जिस्म पर देखेंगे। दूसरी जो चीज़ ज़रूरी बतलाई है वो है कुरान शरीफ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाले हर मुसीबत का इलाज अल्लाह ने बताया है, और बताया है कि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने कुरान में बताया है, और बताया जिस घर में कुरान पढ़ी जाएंगी तो अल्लाह उस घर को हर बुराई से बचाएंगे। तीसरी जो चीज़ नबी पाक ने ज़रूरी बतलाई है वो है कलौंजी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कलौंजी के बारे में तिब्बे नबी में आता है कि कलौंजी में हर नाइलाज और हर बड़े से बड़े बीमारी का इलाज कलौंजी से किया जा सकता है, सिवाय मौत के। चौथी जो चीज़ है जो नबी पाक ने घर में रखने ज़रूरी बताई है वो है खजूर। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खजूर के बारे में रिवायत आती है, जिस घर में खजूर होते हैं बतलाया उस घर में कयामत तक कभी फाका और कभी वहाँ पर गरीबी कभी नहीं आएगी। और खजूर के बारे में आता है, अगर कोई शख्स सुबह शाम खजूर खाए या दिन में से सिर्फ सात खजूर खाए तो बतलाया उसकी मौत तक उसको ना कोई रूहानी बीमारी होगी और ना उसको कोई जिस्मानी बीमारी होगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप वीडियो ध्यान से सुनिए। पांचवी जो चीज़ है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो है जैतून का तेल। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैतून के बारे में अगर बोलना चाहे तो अल्लाह पाक ने जैतून के बारे में एक कुरान की आयत उतारी है जो हम सुनते हैं, इमाम साहब बार बार पढ़ते हैं, वत्तीनी व जैतून से जो आयत शुरू होती है वह सिर्फ जैतून के बारे में बताने के लिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो भी शख्स जैतून का इस्तेमाल खाने में करेगा या इसका कोई इस्तेमाल जिस्मानी मालिश के लिए करेगा तो बताया कि उसके जिस्म में 99 ना इलाज, मतलब उसका दुनियाई इलाज अभी तक मालूम नहीं है, ऐसे 99 बीमारी का इलाज जैतून के तेल के अंदर है। दोस्तों, छठी जो चीज़ है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखने ज़रूरी बतलाई है वो है शहद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, शहद के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और शहद के बारे में तिब्बे नबी में भी आता है कि 70 से ज़ायद बीमारियों का शिफा जो है तो शहद के अंदर है। और जो सातवीं चीज़ है वो है सिरका। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस घर में सिरका होगा बतलाया उस घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। और अगर हम सिरका देखेंगे तो सिरका के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन अंगूरी सिरका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखने को बतलाया है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे आमाल ही जो है तो हमारे मुसीबत और हमारे ऊपर आने वाले परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि हम बतलाएं ना, जिस तरह से हम बोएंगे उस तरह से जो है तो फसल आएगी।
मामला ये हो रहा है कि हमारे अमल जो है तो अल्लाह की तरफ गलत जा रहे हैं, इसलिए हमारे बारे में जो अल्लाह की तरफ से फैसले आ रहे हैं वो भी गलत आ रहे हैं। तो अगर हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और अल्लाह के नबी के फरमान सुनेंगे तो बतलाया कि हम दीन और दुनिया में भी कामयाब हो गए, और हर एक शख्स दीन और दुनिया में कामयाब होना चाहता है। तो दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश है कि जो 7 चीज़ें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखने बतलाई है उनका जो है तो एहतमाम करे।